हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आप भी अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं, हाथ जोड़ के मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए आए हैं, और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मैं बना रही थी आज रोटी का पोहा, जो सूखी रोटी हो जाती है ना, कभी कभी हम भूल जाते हैं तो वो कड़ी हो जाती हैं, तो उसी का पोहा बना रही हूँ। तो मेरी 3 रोटियाँ सूख गई थी, मतलब ढक के नहीं रख पाए थे, तो बहुत ज़्यादा एकदम कड़ी हो गई थी पापड़ की तरह। तो मैंने उसे चूर चूर कर लिया है, अच्छे से बारीक कर लिया है, जिस तरह मतलब पोहा रहता है उससे थोड़ा मीडियम। तो इसे हम अब पोहा तो धो लेते हैं, पर रोटी को नहीं धो सकते हैं क्योंकि ये तो बिल्कुल गल जाएंगी अगर मैं रोटियों को धो दूंगी तो। इसलिए इसको पानी के मतलब छींटे मार के और अच्छे से इसे भिगो के और इस तरह से ढक के रख देना है, तो ये अच्छे से अपने आप फूल जाएंगी। ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2-3 ढक्कन डाल के पानी और अच्छे से करना है। और कढ़ाई रख दिया है मैंने, जब तक फूलेगी तो यहाँ पर मैं इसकी मतलब तैयार कर लेती हूँ। तो राई जीरा डाला है आधा आधा चम्मच, और 1 प्याज और मिर्च डाली है 2 बारीक काट के, और कड़ी पत्ता डाला है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से भूनना है, और बस इतनी ही चीज़ जाएंगी। और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर जाएगा आधा चम्मच, और आधी चम्मच चिली फ्लेक्स डाली है मैंने कुटी हुई। और इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लूँगी मैं। और अब ये रोटियाँ हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, बहुत अच्छे से, और इतना अच्छा लगता है ना ये वाला नाश्ता, बहुत अच्छा लगता है। और मतलब बनाने में अगर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो बहुत पसंद आएगा आप लोगों को, पोहे की तरह ही लगता है बिल्कुल सेम। और कड़ी पत्ते से तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अगर इसमें कड़ी पत्ता डालें तो। तो मैंने रोटियां डाल दी हैं, और उसके बाद मैं नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। पहले मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद ढक के पकाना है 2-3 मिनट के लिए, तो इसमें अच्छे से सारा मसाला एब्जॉर्ब हो जाए। तो अब इसे हम अच्छे से प्लेट से ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए बस, फिर उसके बाद पोहा हमारा तैयार हो जाएगा। तो इसमें हम ऊपर से धनिया पत्ती डालेंगे, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा, मतलब देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में भी उतना ही टेस्टी है, स्वादिष्ट है और हेल्दी है। सबसे अच्छा हेल्दी है क्योंकि ये रोटियों से बना है। तो सुबह के ब्रेकफास्ट में हेल्दी और टेस्टी नाश्ता अच्छा मतलब ऑप्शन है ये। तो पराठे जब हम खाते हैं कभी कभी बना के, तो इस तरह की रोटियां भी खा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने इसमें डाल दिया है ऊपर से धनिया, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं और नहीं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा लुक अच्छा लगने लगता है, तो इस वजह से मैंने डाल दी हूँ। और अब हम अपनी प्लेट में निकाल लेंगे, और ये सुबह का हमारा नाश्ता तैयार है। तो हम अभी नाश्ता करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर से। और हाँ, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों से अपने थोड़े से जो मैंने पौधे लगाए हैं ना, वो शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने लगाए हैं मेथी, और ये है अजवाइन, और ये एक ठो तुरई है, शायद तुरई का पेड़ है, और ये वाले लौकी, इसमें करेला अभी 2-3 दिन पहले लगाया है, तो देखते हैं होता है। और ये है, ये भी तुरई, ये भी हो गया, और ये एक और हो रहा है, इसमें मैंने 2 लगाए थे, ये एक और हो रहा है। और ये मिर्ची के पेड़ ढेर सारे हो गए मिर्ची के, और कुछ गेंदा के फूल लगे हैं, और ये साग लगी है। ये बहुत सारी होती है, 2 पेड़ ज़रूर हैं, बहुत सारी होती है, और कुछ उस साइड भी लगे हैं। 2 क्यारी बनी हुई हैं, बहुत अच्छी की मतलब लग जाते हैं थोड़े बहुत पौधे। और इनमें भी मैंने लगाए हैं, तो मैंने सोचा जब उसमें हो गए तो इनमें भी हो जाएंगे। तो इनमें शिमला मिर्च, इसमें बैंगन, भिंडी लगाई है, और इनमें अता पता नहीं है, कार्तिक ने लगाए हैं तो कुछ
पता नहीं क्या लगाया उसने। और यहाँ टमाटर और ये मीठी नीम जिसको नोच ली हम लोगों ने, क्योंकि ये ज़्यादा यूज होती है ना रायता में और पोहा वगैरह में। तो ये है छोटी सी क्यारी और भगवान जी भी रखे हैं हमारे महादेव, जिनकी मैं पूजा ही नहीं करती। हाँ, दिमाग सही नहीं रहता है ना तो कुछ भी करने में मन नहीं लगता, मतलब करती हूँ कभी कभार करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। और ये रही, और ये आम का पेड़ बहुत बड़ा पेड़ है। ये देखिए इस बार ना फल नहीं आए हैं, नहीं तो बहुत फल आते हैं, मतलब ये एक साल फरता है एक साल ही नहीं फरता, ऐसा वाला पौधा पेड़ है ये। और ये सबसे बड़ी ये मीठी नीम रही, पर ये सूख गई है, पता नहीं क्या हो गया इसको अपने आप। एक बार मैंने काट दी तो वो सूख ही गई पूरा, बहुत बड़ा पेड़ था ऊपर तक। और वहाँ लगा है ये गुड़हल का है, गुड़हल का पौधा है, इसको भी मैंने पूरा काट दिया, बहुत बड़ा था, बाउंड्री के ऊपर तक था तो मैंने काट दिया है। और अब पत्तियाँ निकल रही हैं नई नई, अब देखते हैं फूल भी होएगा। तो चलिए वहाँ की क्यारी भी, यहाँ की तो क्यारी आप लोगों को पता ही है, ये तो रोज़ ही देखते हैं। यहाँ भी लगे हुए हैं, ये यहाँ पे भी लगे हुए हैं, ये भी अजवाइन है, और इसमें मैंने धनिया भी लगाई है पर पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये शायद ये पता नहीं, और ये काय का ये भी नहीं पता। यहाँ पे मैंने भिंडी लगाई है तो ये भिंडी के ही है शायद। और यहाँ पे भी थोड़ी सी मेथी इस लाइन में किनारे किनारे। और ये है वो साग, बहुत सारी दो पेड़ है, कितना बहुत बड़ा है। और एक ये है, पत्ते बड़े बड़े होते हैं, बहुत सारी निकल आती है, सब्जी बन जाती है। और यही रहा कुछ मेरे पेड़ पौधों का, तो मैं थोड़ी देख रेख करती रहती हूँ आजकल, मैंने शौक सा लगा हुआ है। यहाँ मैंने प्याज लगाई है, शौक लगा हुआ है बहुत मुझे खेती बाड़ी करने का। चलिए अंदर चलते हैं। मुझे ना आजकल खेती बाड़ी का ना बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, तो उसको ना मैं रोज देखती रहती हूँ। और तो दिख रहा हूँ ना, मैं अब भी आते जा रही हूँ तो गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। और अब मैं बनाऊंगी चाय, और देखते हैं फूल गया तो ठीक है, लगा तो दिए हैं कोसे, मतलब लगाने में क्या जाता है, लगा दिए हैं और अच्छा रहा एक्सपेरिमेंट। तो फिर और सोच, मतलब और उनकी देख रेख करूँगी। अब उनको बड़े वाले गमले में ट्रांसफ़र करना है मुझे, क्योंकि वो छोटे बड़े पौधे ना ज़्यादा उनको स्पेस चाहिए होता है, तो मैं उनको उसमें लगाऊंगी अब, तो जब बड़े होंगे तो दिखाऊंगी। क्योंकि मैंने कई बार लगाए हैं तो उनके क्या होते हैं ना, फूल हो जाते हैं पर गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं फूल वगैरह, तो इस वजह से मैं नहीं लगाती है। तो मैंने लगा दिए हैं, अब देखते हैं। और पौधे तो हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं, तो चलिए फिर जब बड़े होंगे ना तब आप लोगों को दिखाऊँगी।